हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विपिन और मैं एक एजुकेटर हूँ न्यूटन स्कूल का। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ब्रेक एंड कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट्स के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। न्यूटन स्कूल क्या है? न्यूटन स्कूल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको प्रिपेयर किया जाता है एक अच्छा टेक फील्ड में कैरियर बनाने के लिए। न्यूटन स्कूल आपको प्रोवाइड कराता है मल्टीपल कोर्स जो कि एक्सपर्ट द्वारा बनाए गए हैं। और ये सारे कोर्स ना कि सिर्फ फ्रेशर्स के लिए हैं बल्कि ये कोर्स प्रोफेशनल्स और जो वुमेन नॉन टेक बैकग्राउंड से आती है उनके लिए भी ये सारे कोर्स प्रिपेयर किए गए हैं। इस कोर्स में क्या है, आपको 6 मंथ तक ट्रेन किया जाता है, उसके बाद आपको एक अच्छा फुल स्टैक डेवलपर बनाते हैं। जो सबसे बेस्ट पार्ट है न्यूटन स्कूल का वो ये है कि आपको इस कोर्स के दौरान कोई भी फ़ी पे नहीं करनी होती है। जब आपका कोर्स कम्प्लीट हो जाता है और आपका प्लेसमेंट मिनिमम 5 लाख या उससे ज़्यादा का लगता है तभी आपको फ़ी पे करनी होती है। और अभी आप जो वेबसाइट देख रहे हैं इसमें क्या है, आपको लॉन्च पैड वाले सेक्शन में आना है। और उससे पहले क्या है, आपको यहाँ से साइन अप कर लेना है। अगर आपने अभी तक अकाउंट नहीं बनाया है यहाँ से साइन अप कर लें। और उसके बाद में क्या है, आपको यहाँ मल्टीपल कोर्स मिलेंगे जो कि बिल्कुल स्क्रैच से बनाए गए हैं। आप उनमें इनरोल कर सकते हैं और मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीख सकते हैं। और क्या है, हमारी जो न्यूटन स्कूल की IDE है उसका यूज़ करके आप कोडिंग कर सकते हैं। और जो कॉन्टेस्ट होते हैं हमारे कोडिंग कॉन्टेस्ट, उनमें भी क्या है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था लूप्स के बारे में और हमने देखा था कि फॉर लूप क्या होते हैं, हमने व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप्स के बारे में पढ़ा था। और अब देखते हैं हम अपने ब्रेक स्टेटमेंट्स के बारे में। तो ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करके क्या है, हम अपने लूप्स को टर्मिनेट कर सकते हैं। और जैसे कि यहाँ एक एग्जांपल दिया मैंने, तो यहाँ पे क्या है, आपको कोई भी फॉर लूप हमने बनाया है, फिर उसके बाद में हमने एक कंडीशन दे दी इफ़ करके, और उसके बाद में हमने कोई कंडीशन यहाँ दे दी है, फिर हमने क्या है अपने ब्रेक स्टेटमेंट लगा दी। अब क्या होगा, जैसे ही हमारी ये कंडीशन ट्रू होगी वैसे ही हमारा क्या है, जो हमारा लूप है वो यहाँ से ब्रेक करके मतलब टर्मिनेट हो जाएगा। हमारा जो लूप है वो यहाँ से क्या है एक्सिट हो जाएगा। और फिर हमारी जो वैल्यू होगी वो दोबारा से, जो हमने लूप है लूप के क्या है जो कंडीशन होंगी वो चेक नहीं होंगी, ना ही वैल्यू अपडेट होगी, और यहीं से हमारा लूप क्या है एक्सिट हो जाता है। और ऐसे ही क्या होता है, हमारे जो व्हाइल लूप होते हैं उसमें भी यही होता है, हमारी जो कंडीशन दी हुई होती है हमारी इसमें, जैसे हमने यहाँ कंडीशन दी है अपने जो व्हाइल लूप में, वैसे अगर हम इसमें ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ नहीं करते हैं तो हमारी कंडीशन है वो चेक होती रहती है यहाँ तक। लेकिन जैसे ही हम क्या है ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ हमने कोई कंडीशन और कोई कंडीशन दे दी है, फिर हमने क्या अपने ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ कर लिया, अब क्या होगा, ये लूप यहाँ से रन होगा। फिर जैसे ही अगर ये कंडीशन होगी ये ट्रू होगी, हमारा यहाँ से क्या है जो लूप होगा वो टर्मिनेट हो जाएगा और हमारी जो कंडीशन होगी वो दोबारा से व्हाइल लूप वाली चेक नहीं होगी, यहीं से हमारा क्या है जो लूप होगा वो टर्मिनेट हो जाएगा। सो गाइस, इसको हम जब कोड करके देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो उसके लिए हम चलते हैं अपने न्यूटन स्कूल की वेबसाइट पे, और वहाँ से हम अपने जो न्यूटन स्कूल की IDE है उसका यूज़ करेंगे और कुछ सिंपल प्रोग्राम बना के देखते हैं, और उससे हमें पता चलेगा कि हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ क्यों करते हैं। सो गाइस, अब आ गए हम अपने न्यूटन स्कूल की वेबसाइट पर, और अब मैं यहाँ से मैं लॉगिन कर लूँगा। और अभी तक आपने अगर अपना अकाउंट नहीं बनाया है तो यहाँ से साइन अप कर लें, और यहाँ से मैं लॉगिन कर लेता हूँ। उसके बाद में क्या, आपको प्लेग्राउंड वाले ऑप्शन में आना है, फिर यहाँ से क्या आप जो एल्गोरिदम वाला प्लेग्राउंड है इस पर क्रिएट पे क्लिक करके, और यहाँ से अपना जो प्लेग्राउंड है उसे क्रिएट कर सकते हैं। और मैंने यहाँ एक बना रखा है तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ, और अब जो हमारी न्यूटन स्कूल की IDE है वो ओपन हो गई है। तो सबसे पहले हम एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाते हैं और हम चेक करना चाहते हैं क्या है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर वो होते हैं जो या तो 1 से डिवाइड हो या खुद के नंबर से डिवाइड हो, मतलब वो और किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो, जैसे हमारे 2 हो गया या हमारे 3 हो गए या 5 या हमारे 7, ये सारे क्या होते हैं हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं, और ये नंबर किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं एक्सेप्ट 1 से। तो इसके लिए हम क्या एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाते हैं। तो उसके लिए हम क्या है एक नम करके एक अपना वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं, और हम क्या है ये अपने यूज़र से नंबर कोई भी इनपुट कराएंगे और उस नंबर को हम चेक करेंगे वो नंबर प्राइम नंबर है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या एक फॉर लूप लगाते हैं, और फॉर लूप हम कहाँ से चलाएंगे, इनिशलाइज करते हैं हम आई से, और इसको हम कर देते हैं इनिशलाइज 2 से, क्योंकि जो हमारा 2 है वो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है, तो हम 2 से स्टार्ट करते हैं उसको।
और जो हम अपना जो लू आई है, आई की वैल्यू हम लेस देन नम तक ले जाएंगे, और उसके बाद में क्या है, हमारी जो आई की वैल्यू है उसको हम इनक्रीज़ कर देते हैं। और इसमें हम क्या है, कंडीशन देते हैं, तो उसके लिए हम क्या है, इफ़ का यूज़ करेंगे। अगर क्या है, हमारी जो आई, सॉरी नम है, नम अगर हमारा डिवाइड हो जाता है आई से, और उसका रिमाइंडर क्या है, अगर ज़ीरो आ जाता है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से सी आउट कर देते हैं नॉट प्राइम। ये नॉट प्राइम नंबर क्यों होगा, क्योंकि अगर कोई भी नंबर है, जैसे हमने यहाँ पे क्या दिया है, नम तक हम ले जा रहे हैं, अगर हमने टाइप किया 5, तो हमारा लूप है वो 2 से स्टार्ट होगा, 2, 3, 4, 5। अगर उसमें क्या होता है, अगर हमारा नंबर है, जैसे अब कोई भी 3 नंबर आ गया, 3 से हमने जो हमारा लास्ट नंबर था नम, उससे पहले हमारे कोई भी नंबर से अगर हमारा जो नंबर है वो डिवाइड हो रहा है, तो वो क्या है, प्राइम नंबर नहीं होगा। अब प्राइम नंबर अगर नहीं होगा, तो हम क्या है, उससे आगे के नंबर को, मतलब अगर हमारा कोई जो आई थी उससे हमने अपना जो नंबर है उसको डिवाइड कर दिया, तो मतलब क्या है, हमारा ये नंबर होगा वो प्राइम नंबर नहीं होगा। तो इसके लिए हम यहाँ से अपने जो लूप है उसको यहीं पे हम क्या है, ब्रेक कर देते हैं, हम यहीं पे ब्रेक कर देंगे, और हमें क्या है, इससे आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। और इसके लिए हम अगर अगर ये डिवाइड नहीं होता है, जो नंबर है हमारा नम, वो हमने क्या है, जो नंबर लिए थे लेस देन नम से पहले के नंबर हैं, वो कोई से भी नंबर से क्या है, हमारा जो नम है वो डिवाइड नहीं होता है, तब हमारा क्या होगा, अगर हमारा जो आई है, अब आई क्या हो जाता है, अगर इक्वल टू हो जाता है हमारे नम के, मतलब हमारा जो नंबर हमारा था, अगर वही नंबर आ जाता है उससे पहले के नंबर से, वो डिवाइड नहीं होता है, तो हम क्या कर देंगे, तो हम सी आउट कर देंगे और यहाँ लिख देते हैं प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, और यहाँ पे हम ब्रेक। और अब हम देख लेते हैं एक बार अपना कोड चेक करके, और इसके लिए क्या हमें बाहर ये इनिशियलाइज करनी होगी, आई की वैल्यू जो हमने इंट आई है उसको बाहर डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो अब हम क्या है, इसको देखते हैं, रन करा के हम चेक करते हैं अपना नंबर। सबसे पहले हम देते हैं 5, और हम इसको अगर रन कराएंगे तो हम देखते हैं हमारा कोड रन होता है या नहीं। 5 क्या है, प्राइम नंबर है, क्योंकि 5 को हम किसी और नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ना 2 से डिवाइड कर सकते हैं, ना ही 3 से। और अगर हम टाइप करते हैं 6, तो हम देखते हैं क्या होता है, 6 प्राइम नंबर नहीं होगा, क्योंकि 6 को हम 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, और हम उसको 3 से भी कर सकते हैं, तो ये हमारा क्या है, प्राइम नंबर नहीं होगा। अगर हम देखते हैं यहाँ पर 7 लिखते हैं, तो 7 हमारा क्या होगा, ये प्राइम नंबर होगा। तो ये हमारा क्या है, ये एक प्राइम नंबर हो गया। तो इसमें क्या है, हमने ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ किया है। अब इसमें ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ कहाँ हुआ है, जैसे हमने यहाँ लूप लगाया था, आई से लेके आई टू से लेके क्या है, नम तक जाना है। अब हमने यहाँ पे जैसे 7 लिखा है, तो हमारा ये लूप तो क्या है, 7 तक चलना चाहिए, लेकिन क्या है, हमारा जो लूप था वो 7 तक नहीं चला है, क्योंकि हमने यहाँ पे एक कंडीशन दे दी है, जैसे ही अगर हमारा जो नम है, जो हमने यहाँ पे दिया है 7, अगर वो किसी और नंबर से डिवाइड हो जाता है, तो क्या है, हमारा जो लूप होगा वो वहीं पे ब्रेक हो जाएगा, और वो हम उसको सी आउट कर देते हैं, इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। अब जैसे हमने यहाँ पे अगर 6 लिखा था, तो 6 में क्या होगा, जैसे जब भी यहाँ पे क्या है, 2 पे वैल्यू आई, अब 2 से हमारा नंबर 6 डिवाइड हो गया, तो हमारे यहीं पे क्या है, हमारा जो लूप होगा वो यहीं पे टर्मिनेट हो गया, और यहाँ पे उसने प्रिंट दे दिया हमको नॉट प्राइम नंबर। और यहाँ जब हमने इसको 7 दिया इनपुट में, तो क्या हुआ, हमारी जो 1 से 6 तक की वैल्यू थी, उनमें कोई भी नंबर से हमारा जो नंबर था 7, वो डिवाइड नहीं हो रहा था। तो जैसे ही जो हमारी आई की वैल्यू 7 हुई, यहाँ पे आई इज इक्वल टू नम, नम क्या है, 7, जैसे ही हमारा आई इज इक्वल टू सॉरी नम हुआ, मतलब 7 हुई जैसे ही आई की वैल्यू, तो हमने क्या है, प्रिंट करा दिया सी आउट करके, क्या हमने प्रिंट करा दिया, इज़ अ प्राइम नंबर। तो हमारा जो 7 है वो क्या हुआ, प्राइम नंबर हो गया। अब ऐसे ही अगर हम कोई भी जैसे किसी रेंज में अगर हम प्राइम नंबर को अगर हम फाइंड करना चाहते हैं, तो वो हम कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए हम एक और प्रोग्राम बनाते हैं, और इसके लिए हम क्या है, दो वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, इंट ए इंट बी, और एक हम बना लेते हैं, सॉरी बस दो रहने देते हैं, उसको
उसके बाद में हम एक इसमें हम क्या है नेस्टेड लूप का यूज़ करने वाले हैं। इसमें दो लूप चलाएंगे हम। सबसे पहला लूप जो हमारा होगा वो हमारा क्या होगा इंट, हम इसमें एक नम ले लेते हैं। और नम हमारा क्या है, नम हमारी जो रेंज दी हुई है ए से बी के बीच की, वो हमारी रेंज को हमने क्या है नम से डिक्लेयर किया है। तो हम जो नंबर हम अपना स्टार्ट करने वाले हैं वो हम ए से चेक करेंगे, और जो हमारी वैल्यू होगी वो कहाँ तक जाएगी, लेस देन वी तक, लेस देन वी तक हम चेक करने वाले हैं। उसके बाद में क्या है, हम जो हमारी नम की वैल्यू है उसको इनक्रीज कर देंगे। उसके बाद में क्या है, हम एक और लूप चलाएंगे। उसमें क्या होगा, उसमें हम जो हमारी आई की वैल्यू है और हम इसको एक यहाँ पे डिक्लेयर कर लेते हैं आई वी, और यहाँ पे हम लिखते हैं आई। अब यहाँ पे क्या होगा, हम आई की जो वैल्यू है उसको हम इनिशलाइज करते हैं 2 से, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी वैल्यू थी वो हम जो हमारा बाहर वाला लूप है ये क्या कर रहा है, हमारे जो नंबर की जो हमने रेंज दी हुई है उसमें नंबर को चेक कर रहा है। सबसे पहले जो नंबर आएगा उसको चेक करेगा, फिर उसके बाद में क्या है वो नंबर यहाँ पे उसने लिया, फिर उसके बाद में जो हमारा सेकंड वाला लूप है वो उसको चेक कर रहा है कि वो जो हमारा प्राइम नंबर है या नहीं। तो उसके लिए हम सबसे पहले 2 लेंगे, फिर हमारी जो आई की वैल्यू होगी वो हमारी कहाँ तक जाएगी, हमारी वो वैल्यू जाएगी नम तक, वो हमारी वैल्यू जाएगी नम तक। और उसके बाद में क्या है, हम जो आई की वैल्यू है उसको इनक्रीज़ कर देते हैं। अब इसके बाद में क्या होगा, हम इसको चेक करेंगे, अगर हमारी जो आई है, अगर हमारा जो नम है, अगर हम उसको क्या है आई से अगर हम डिवाइड करते हैं और अगर हमारा रिमाइंडर है वो क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, तो हम क्या करेंगे उसको सी आउट कर देते हैं। इस अगर हमारा जो है, अगर हम क्या अपना जो नम है, नम अगर हम उसको डिवाइड करेंगे आई से और अगर हमारा वो आ जाता है 0, तो हम क्या है तो ये प्राइम नंबर तो होगा नहीं, तो हमें इसको क्या है प्रिंट नहीं कराएंगे। और इसमें क्या है, हम इसको जो है उसको ब्रेक कर देते हैं। ब्रेक करने के बाद हम क्या है अपने जो लूप है उससे बाहर आ जाएंगे, फॉर लूप है जो हमारा उससे बाहर आ जाते हैं ये हमारा। और इसके बाद में हम अगर हमारी जो वैल्यू है आई की वैल्यू है और वो हो जाती है इक्वल टू नम, अगर वो वैल्यू आई की जो है वो नम के बराबर हो जाती है, तो हम क्या है जो हमारी आई है उसको हम प्रिंट करा देते हैं और उसमें हम हैंडल लगा देंगे। और क्या होगा, अब हम इसको रन करके देखते हैं। और सबसे पहले अभी हमने यहाँ पे इनपुट नहीं कराई है, तो इसके लिए हम सी इन करके ए की वैल्यू ले लेते हैं पहले, और फिर हम सी इन करके क्या है वी की वैल्यू ले लेते हैं। और अब हम इसको रन कराएंगे, उसके पहले हम क्या है इसकी वैल्यू ले लेते हैं 1 से हम 10 के बीच के, अगर हम कोई भी प्राइम नंबर को प्रिंट कराना चाहते हैं तो अब क्या होगा, हमारे जो भी 1 के और 10 के बीच के प्राइम नंबर्स होंगे वो प्रिंट हो जाएंगे। तो हम इसको रन कराते हैं, और जो भी नंबर हमारे थे 1 और 10 के इंटरवल में जो भी प्राइम नंबर्स वो क्या है प्रिंट हो गए हैं। अब इसमें क्या है, हमने क्या किया है, जो हमने नेस्टेड लूप का यूज़ किया है। अब नेस्टेड लूप में क्या हुआ है, जैसा हमने बताया था कि अगर हम नेस्टेड लूप में ब्रेक का यूज़ करते हैं तो हमारे जो इनर वाला जो लूप होता है वो क्या है टर्मिनेट हो जाता है। तो जैसे ही हमारा जो कंडीशन यहाँ पे ये ट्रू हुई है, तो वहीं से हमारा क्या है जो हमारा जो फॉर लूप है वो टर्मिनेट हो गया। और फिर उसके बाद में क्या है, हमारी जो नेक्स्ट स्टेटमेंट थी इफ़ के बाद की, ये वाली स्टेटमेंट अप्लाई हो गई है, सॉरी ये वाली स्टेटमेंट क्या है एग्जीक्यूट हो गई। तो इसमें हमने देखा कैसे हम अपने जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो कोई भी गिवन इंटरवल में क्या है हम उसको प्रिंट करा सकते हैं। हम अगर इसको कराना चाहते हैं 10 से 50 के बीच के, अगर हम कोई भी प्राइम नंबर्स प्रिंट कराना चाहते हैं जितने भी, तो हम इसका भी यूज़ करके हम करा सकते हैं। अब ये सारे क्या है हमारे प्राइम नंबर्स आ गए। और अब हम देखते हैं अपने कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट के बारे में। सो गाइस, अब हम देखते हैं अपने कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट के बारे में। तो जब हम क्या है कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट का यूज़ अगर हम करते हैं अपने फॉर लूप में, तब क्या होता है, जैसे हम यहाँ पे कंडीशन को इनिशलाइज करते हैं, अपने जो वेरिएबल होते हैं सबसे पहले उसको इनिशलाइज करते हैं, फिर कंडीशन, और उसके बाद क्या है हम अपडेट करते हैं। तो अगर हम कोई भी फॉर लूप के अंदर अगर हम कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, तो इसमें अगर हम कोई भी कंडीशन देते हैं तो उसमें क्या है जो भी हमारी कंडीशन दी हुई होती हैं तो उस आइट्रेशन को क्या है वो स्किप कर देता है।
लेकिन जब हमने देखा था ब्रेक स्टेटमेंट में, तो ब्रेक स्टेटमेंट में क्या था, जैसे ही हमारी जो कंडीशन होती है जो हमारी ब्रेक स्टेटमेंट से पहले, तो उसको क्या है, वहीं से हमारा जो प्रोग्राम होता है वो टर्मिनेट हो जाता है। लेकिन कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट में क्या होता है, हमारी जो कंडीशन होती है उस कंडीशन के आइट्रेशन को क्या है, स्किप कर देता है, और उसके बाद में क्या है, हमारी जो वैल्यू होती है उससे आगे की वैल्यू उसको अपडेट करके क्या है, फिर हमारा जो प्रोग्राम, जो हमारा लूप होता है वो कंटिन्यू चलता रहता है। और अगर बात आती है जब वाइल लूप में, तो वाइल लूप में क्या होता है, सबसे पहले हमारी कंडीशन चेक होती है, फिर उसके बाद में जब हमारी कंडीशन दी होती है कंटिन्यू स्टेटमेंट से पहले, हम कोई भी जो कंडीशन देते हैं उसको अगर जब भी वो कंडीशन क्या हो जाती है, ट्रू हो जाती है, तो हमारी जो कंटिन्यू हो जा जो हमारा प्रोग्राम होता है वो इसको क्या है, स्किप कर देता है। जो हमारी जो कंडीशन होगी यहाँ पे, उस कंडीशन को क्या है, वो स्किप कर देता है, और उससे के आगे का जो प्रोग्राम है वो चलता रहता है। तो अब इसको हम क्या है, कोड करके देखेंगे, और कुछ हम एग्जांपल देखते हैं, तो उससे क्या है, हमें ज़्यादा समझ में आएगा। तो गाइस, अब जो हमारा ब्रेक स्टेटमेंट था उसके हम प्रोग्राम को हटा लेते हैं इसको, और हम क्या है, अपने जो कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट है उसके लिए हम प्रोग्राम लिखते हैं। तो इसके लिए हम एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखते हैं, उसमें क्या होगा, हम अपने 1 से लेके 10 तक के नंबर को प्रिंट कराएंगे, लेकिन उसमें हम कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे और कोई भी एक नंबर को हम स्किप कराएंगे। तो इसके लिए हम फॉर लूप का यूज़ करते हैं, और इसके लिए हम वैल्यू उसकी इनिशलाइज कर देते हैं 1 से, और उसके बाद में क्या होगा, जो हमारी आई की वैल्यू होगी कहाँ तक जाएगी, लेस देन इक्वल टू 10 तक, और उसके बाद हम अपने जो आई की वैल्यू उसको अपडेट करा देंगे। अब इसमें क्या होगा, हम अगर अपने जो वैल्यू है उसको, जैसे हमने आई इक्वल टू कर दिया 5, अब अगर हम 5 को स्किप कराना चाहते हैं तो हम क्या है, यहाँ पे कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट का यूज़ कर लेंगे, और इसके बाद हम कर देते हैं सी आउट, और यहाँ आई एंड। इसमें क्या होगा, अब जैसे ही हमारी जो वैल्यू होगी 5 आएगी, जो आइट्रेशन है हमारी 5 पे आएगी, क्या है उसको इसको स्किप कर देगा, और उसके बाद में क्या है, जो हमारी वैल्यू होगी वो अपडेट हो जाएगी, फिर हमारे जो यहाँ पे वैल्यू होंगी वो यहाँ से क्या है, प्रिंट होती रहेंगी। तो अब हम इसको रन कराते हैं, और अब इसको हमने जब रन कराया तो हमारे जो बाकी नंबर थे वो तो सारे नंबर क्या है, 10 तक प्रिंट हो गए, लेकिन जो हमारा 5 था उसको हम, जो हमारे कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट है उसने स्किप कर दिया है। अब ऐसे ही अगर हम कोई और भी नंबर यहाँ लिख देते हैं, यहाँ अगर हम कर देते हैं 4, तो हमारे जो 4 होगा उसको क्या है, स्किप कर देंगे, और बाकी नंबर हमारे जो है प्रिंट हो गए। तो अगर हम इसमें क्या, अगर हम वाइल लूप में या कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट का यूज़ करें, तो उसके लिए हम एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाते हैं, और उसमें क्या है, हम अपने जो यूज़र होगा उससे हम नंबर को क्या है, इनपुट कराएंगे, और जब तक हमारे नंबर क्या है पॉजिटिव रहेंगे तब तक क्या है, वो इनपुट होते रहेंगे, और हमारा जो नंबर होगा जो हम यूज़र से इनपुट करा रहे हैं वो नंबर क्या है, हमारे 1 से 50 के बीच के नंबर होने चाहिए, और जैसे ही हमारा वो नंबर 50 से ग्रेटर देन होगा तो हमारा क्या है, वो आउटपुट दे देगा कि ये नंबर ग्रेटर देन है, और वो ऐड नहीं होगा। तो इसके लिए हम बनाते हैं, सबसे पहले एक हम बनाते हैं नम नंबर, और इस नंबर को हम कर देते हैं 0 से इनिशियलाइज, और हम एक वेरिएबल बनाते हैं सम, और इसको भी हम क्या है 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं। अब हम क्या है, अपना एक वाइल लूप चलाते हैं, वाइल कर देते हैं, और वाइल लूप में क्या है, जो हमारे नंबर होंगे जब तक वो ग्रेटर देन 0 हो रहेगा, जब तक वो नंबर क्या है ग्रेटर देन 0 है, तब तक क्या हमारा जो लूप है वो चलता रहेगा, और इसमें क्या है, हमारी जो यहाँ पे सम होगा, हमारा सम कर देते हैं प्लस इक्वल टू नंबर, क्योंकि जो भी नंबर हम अपने यूज़र से इंपोर्ट कराएंगे उनको ऐड करना है। अब यहाँ पे हम प्रिंट करा देते हैं एंटर द नंबर, और इसके बाद में हम कर लेते हैं सी एन, और यहाँ कर देते हैं नंबर। अब यहाँ पे हम एक कंडीशन लगाते हैं अपने इफ़। अब जैसे हमारा जो नंबर है वो क्या होगा, अगर हमारा नंबर ग्रेटर देन हो जाता है 50, तो क्या करा दो, जब हम सी आउट इसमें देखते हैं, नंबर इज ग्रेटर देन 50, और यहाँ पे हम लिख देते हैं प्लीज
एंटर द नंबर, प्लीज एंटर द नंबर बिटवीन 1 to 50। अब यहाँ पे हम एंटर लगा देते हैं इसमें, और यहाँ पे हम जो जो भी नंबर यहाँ पे एंटर किया यूज़र ने उसको क्या कर देंगे हम 0। और उसके बाद में हम क्या है यहाँ पे कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज़ कर देते हैं। अब क्या होगा, हमारा जो लास्ट में हम सम था हमारा, उसको हम प्रिंट करा लेंगे। तो हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम क्या अपने जो सम था उसको हम प्रिंट करा लेंगे। सॉरी, यहाँ पे सी आउट लिखते हैं हम, और यहाँ लिख देते हैं द सम ऑफ एंटर्ड नंबर इक्वल टू, और यहाँ पे हम कर देते हैं सम। और अब हम यहाँ पे अगर रन कराते हैं तो सबसे पहले हम क्या है इनपुट दे देते हैं 10, 20 दे देते हैं, और हम दे देते हैं 80, और यहाँ दे देते हैं हम 53, फिर हम दे देते हैं -5। अब अगर हम इसको रन कराएंगे तो क्या होगा, हमारा 10 नंबर है वो ऐड हो जाएगा 10, 20। अब जैसे 80 आएगा तो 80 में क्या होगा, जो हमारा यहाँ पे हमने जो प्रोग्राम लिखा है वो क्या होगा आउटपुट दे देगा नंबर इज़ ग्रेटर देन 50। तो ये भी ऐड नहीं होगा, और इसके 80 को क्या है 0 कर देगा। फिर हमारा जो कॉन्टिन्यू है, फिर कॉन्टिन्यू के बाद क्या होगा, यहाँ से हमारी जो वैल्यू होगी वो यहाँ से दोबारा से प्रोग्राम हमारा रन होगा। फिर दोबारा प्रोग्राम रन होगा, फिर हमारी जो क्या है वैल्यू यहाँ पे जो इनपुट होगी 53, फिर हमारी जो क्या है 53 वैल्यू है वो क्या हो जाएगी ग्रेटर देन 50 हो जाएगी। फिर हमारा क्या होगा जो नंबर था उसको 0 कर देगा। तो ऐसे ही ये प्रोसेस चलती रहेगी, और जैसे ही हमारा जो नंबर आएगा -5 तो हमारा जो लूप था वो टर्मिनेट हो जाएगा, और उसके बाद में हमें क्या है जो सम था हमारा वो प्रिंट हो जाएगा। तो अब हम इसको रन कराते हैं, और हम इसको रन कराया तो हमें क्या है, हम जैसे पहले एंटर द नंबर आया तो हमने 10 इनपुट किया, फिर आया हमारे पास, फिर हमने 20 दिया, फिर हमने क्या है 30 दिया, जैसे हमने 80 इनपुट किया है तो वहाँ पे हमें को क्या है जो हमें आउटपुट मिला वो क्या है नंबर इज़ ग्रेटर देन 50, प्लीज़ एंटर द नंबर बिटवीन, ये आगे लिख के। फिर उसके बाद में हमें एंटर द नंबर के लिए आउटपुट मिला, फिर हमने क्या है 53 इनपुट किया है, उसके बाद में फिर हमको क्या आउटपुट दे दिया इसने नंबर क्या है वो ग्रेटर देन हमारा 50 है। फिर हमसे क्या है यूज़र जो नंबर है वो इनपुट के लिए मांगा है, फिर हमने क्या है -5 दे दिया। जैसे हम -5 इनपुट करेंगे तो हमारा जो लूप था वो टर्मिनेट हो गया है, और हमारा जो सम था वो क्या है 10 और 20 हमारा ऐड हो जाएंगे, क्योंकि बाकी जो नंबर हैं ये भी 50 से ग्रेटर देन है और ये भी 50 से बड़ा है और ये माइनस है, इसलिए ये तीनों नंबर ऐड नहीं होंगे, तो हमारा जो सम होगा वो इन दोनों का सम आ जाएगा। तो यहाँ पे जो कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट का वर्क था वो ये था कि इसके बाद का जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट होगा, लेकिन जो हमारा जो 50 वाला नंबर था इसको हटा के क्या है इसको स्किप कर देगा, और जो हमारा जो प्रोग्राम था वो दोबारा से यहाँ से इनिशलाइज होगा। अगर हम इसके जगह कर देते हैं, अगर हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे, अगर हमने इसमें ब्रेक का यूज़ किया, जैसे ही हमारा जो नंबर था ग्रेटर देन क्या होगा 50 आएगा, जैसे ही हमारा जो नंबर था ग्रेटर देन 50 आएगा, उसके बाद की जो वैल्यू होगा वो चेक ही नहीं करेगा, वो यहीं से क्या है लूप को क्या है टर्मिनेट कर देगा। तो अब अगर हम इसको रन करेंगे तो हमारे जो वैल्यू थी वो उसने 3 बार नंबर मांगा, और जैसे ही हमारी जो यहाँ पर वैल्यू हुई है उसके बाद में क्या है इसने हमारी जो लूप है उसको क्या है टर्मिनेट कर दिया। तो गाइस, इसमें हमने देखा अपने जो कैसे हमारे जो ब्रेक और कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट होती हैं वो कैसे वर्क करती हैं, और वो कैसे हमारी जो डिसीजन मेकिंग होती हैं उनमें क्या है हमारी कैसे वो हेल्प करते हैं। सो गाइस, अभी तक आपने अगर हमारी जो C++ की प्लेलिस्ट है उसको सेव नहीं किया है तो आप चैनल पर जाके सेव कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिससे क्या आपको सारी वीडियोज़ मिलती रहेंगी, और बेल आइकन को दबा दें जिससे क्या आपको नोटिफिकेशन भी मिलती रहेंगी। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।